खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा। मोहम्मद रफी, एक फनकार, एक फरिश्ता सिफत इंसान, एक सितारा जिनकी अजमत का इजहार अल्फाज नहीं कर पाते। उनके बेशुमार रगमों की तरह उनके परस्तार, शैदाई और पूजने वाले भी अनगिनत हैं, और उन्हीं में एक हैं श्री संजय मेहता जी, जिन्होंने रफी साहब की मोहब्बत को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, और उन्होंने रफी साहब के नगमों का एक अजीम खजाना अपने खजीने में जमा कर रखा है, जिनकी तादाद तकरीबन 6,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन रफी साहब के नगमे ही नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा का इजहार वो अपने लिखे हुए कलाम में भी करते हुए नजर आते हैं। जब भी उन्होंने कुछ लिखा, उसमें एक अकीदत और श्रद्धा का समंदर नजर आया। उनके अशआर रफी साहब से उनकी मोहब्बत का हाल बयान करते नजर आते हैं। संजय मेहता जी लिखते हैं, क्या किसी ने सुना है कभी आवाज़े खुदा, क्या किसी ने सुना है कभी आवाज़े खुदा, सुनकर उन्हें लगता है होगी नहीं वो इनसे जुदा, सुनकर उन्हें लगता है होगी नहीं वो इनसे जुदा। संजय मेहता जी ये भी लिखते हैं कि मौत के बाद मिलाई भी आपसे, मुझसे वादा किया है मेरी राहों ने, जब जब याद किया उस खुदा को, अक्स तेरा ही पाया इन निगाहों में। और ये सुने, हसरतें आरजुएं तमन्नाएं अब बस इतनी है कि हमारा आलमे रुखसत हो और कानों में उनकी आवाज हो। अपनी श्रद्धा का इजहार करते हुए संजय मेहता जी कहते हैं कि बस चुके हैं वो इन सांसों में ऐसे, जिंदगी के लिए जरूरी सांसें हो जैसे, रूह से बाहर जो आ जाए वो राज क्या, रूह से बाहर जो आ जाए वो राज क्या, रूह में जो न उतर जाए वो आवाज क्या। और ये सुने के जाकर मंदिर भी इस गहराई से पूज नहीं पाता हूँ भगवान को, जाकर मंदिर भी इस गहराई से पूज नहीं पाता हूँ भगवान को, जितनी सुनकर आवाज तुम्हारी हो जाता हूँ अनंत आसमां को, जितनी सुनकर आवाज तुम्हारी हो जाता हूँ अनंत आसमान को। और संजय मेहता जी ये भी कहते हैं कि तकलीफ़ जिंदगी से दूर हुआ जाता हूँ, तकलीफ़ जिंदगी से दूर हुआ जाता हूँ, जैसे जैसे मैं तेरे करीब हुआ जाता हूँ, जैसे जैसे मैं तेरे करीब हुआ जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।